हमने आज अपने खला डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स का सबका मीटिंग बुलाया था, जो 19-20 की डेवलपमेंट हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और ओवर उस सब पर एक हमने रिव्यू मीटिंग बुलाया था। उस बारे में हम कि कलात को किस तरह आगे ले जाएं, कलात के मसाइल को किस तरह वो कर लें, सिलसिले में बुलाया था। तो ये हमारा मंथली मीटिंग होता है। आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग। देखिए, हुकूमत का काम होता है मुल्क को जैम होने से रोकना, मुल्क के मामलात को आगे बढ़ने देना। ये जो मार्च, ये चीज़ें, ये जमहूरियत का हिस्सा है और जमहूरियत में होती रहती हैं और सियासी जमायतें ये करती रहती हैं। लेकिन बलूचिस्तान के हालात का आपको पता है कि गुज़िश्ता रात भी एक वाक़या इधर हुआ है। तो मैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तमाम उसके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के को खुले तौर पर करने का हामी हूँ, लेकिन एक वज़ीर दाखला की इसी जब मुझे रिपोर्टें आती हैं इंटेलिजेंस की जानिब से, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, कि यहाँ दहशतगर्दी का ख़तरा है, तो वहाँ फिर हम एज़ हुकूमत इस चीज़ को नहीं देखते कि ये किस पार्टी के लोग हैं। बलूचिस्तान के तमाम लोग हमारे अवाम लोग हैं, उनकी जान व माल की जो हिफाजत है वो हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके तहत ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जो दुश्मन गुतों की जानिब से मुल्क में दहशतगर्दी का मनसूबा बनाया जाता है या हमारे लोगों की जानों को नुकसान देने की कोशिश की जाती है, उसको हम जो है हर तरीके से अपने उसमें हमने अभी तक फैसला नहीं किया है, लेकिन हमने कल परसों जो है एक आला स्तर मीटिंग बुलाया है जिसमें मेरा ये वो होगा कि पॉइंट ऑफ व्यू के इस लॉन्ग मार्च में जो है लॉन्ग मार्च का टाइम नहीं है, हमारे सरहद के हालात आप लोग के सामने हैं, वहाँ हमारे फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं और इधर दहशतगर्दी जारी है। इस हालात में बलूचिस्तान में फिर वो जो एक अंसारुल इस्लाम इनका एक डंडा बरदार फोर्स है उस पर हमने पाबंदी आयद की है, सियासी जमायतों के ये जो है डंडा बरदार फोर्स कल कोई और पार्टी कहेगा कि मैं भी बनाता हूँ, ये उस पर पाबंदी फौरन आयद की गई है। और चाहे जमीयत हो, चाहे बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी हो, फिलहाल जो हालात चल रहे हैं, अगर उसके जलसे में भी कोई वो हमें क्लू मिलेगा कि इस पर दहशतगर्दी का ख़तरा है, उसको भी हम रोक देंगे। मैंने हिमायत नहीं की थी, मैंने कहा था कि ये हर सियासी जमायत का जमहूरियत में उसका हक बनता है उसमें, लेकिन जब आपको कोई कैसे वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ जाएं कि इसमें दहशतगर्दी का ख़तरा है, तो ऐसे रियासत आप अपनी ज़िम्मेदारी तो अदा करेंगे ना कि लोगों को अपने लोगों को सेव करने के लिए इतने, कभी आप 144 नाफिज करते हैं कि दो लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते, वो आवाम की जान के पेश नज़र आप उसको इम्पोज करते हैं। ये उनका मौलाना साहब नहीं, हर सियासी जमात का हक होता है, लेकिन वो अभी बलूचिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि आप इतने लोगों को रोडों पर, पूरे बलूचिस्तान के रोडों पर मार्च करते हुए ले जाएं, इतने लोगों की इजाज़त देना अभी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल से। सर अगर मार्च यहाँ से जाता है वो तो बजट है कि हमने जाना है और तैयारी के साथ ही मूव करते हैं, तो अगर वो लोग मूव करते हैं और खुदा रखासा कोई मिस हैप होता है स्टेट की आपकी जिम्मेदारी होगी या उनकी? नहीं, स्टेट इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती उसको अहकाम को वो पाउंड रेल रोन दे और वो कर ले। स्टेट जो काम करेगी वो तरीके से करेगी, अपने लोगों के मुफाद में करेगी, लोगों को डिसबर्स भी तरीके से करेगी। हम उनसे बात करेंगे, उनसे मुज़ाकरात करेंगे, उनसे अपील करेंगे, फिर आगे जो और तरीक़ाकार होंगे उसको हम उसी तरीके से करेंगे। देखें, ये जो दहशत गर्दी आए रोज़ हमारे मुल्क में होती है, इसमें सब में बैरूनी कुव्वतें मुलव्वस हैं, यही कुव्वतें कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा इधर हादसा रोनुमा हो जिससे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो, तो उसके उसको मैं मेरी इशारा उस जानेब है। हम बलूचिस्तान में ही को इतनी गैदरिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते कि लोग इकट्ठे हों, बलूचिस्तान में ही इतनी गैदरिंग को इकट्ठा अपील करेंगे कि इकट्ठा ना हो। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में कंटेनर्स लगे, आप भी कंटेनर्स लगाने जाएंगे?
ہم اس کے سلسلے میں پرسوں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے کہا اعلیٰ سطح کا اجلاس بلایا، اس میں ہم اپنا حکمت عملی طے کریں گے کہ کیا ہم نے کرنا ہے. اس سب کچھ اسی اس میں ہوگا. اگر اسٹیٹ کی رٹ کو کوئی چیلنج کرے گا اور اسٹیٹ کے سامنے آئے گا تو اسٹیٹ کچھ نہ کچھ ایکشن تو لے گا ضرور. دیکھیں سیاست ایک پرام چیز ہے، ایک جمہوری جد و جہد ہے، اس میں ڈنڈا بردار فورس ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. کل پیپلز پارٹی کہے گا کہ میں احتجاج کر رہا ہوں، میرا بھی کوئی ڈنڈا بردار فورس ہے. بلوچستان عوامی پارٹی کہے گی میں احتجاج کر رہا ہوں، میرا بھی کوئی ڈنڈا بردار فورس ہے. اس کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے کہ روڈوں پر آپ آ جاؤ، عوام کو اپنے فورسز کے سامنے مد مقابل کھڑے کرو. اس کو تو ہم نے کل ہی اس بین امپوز کر دیا ہے.